नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अमेरिकी सांसदों ने कहा, मूर्ख बना रहा है पाकिस्तान। अमेरिकी सांसदों एवं विशेषज्ञों ने पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद में कटौती करने और इसे आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देश के तौर पर सूचीबद्ध करने की अपील करते हुए कहा कि आतंकवादी तत्वों को समर्थन देने वाला और चीजों को जोड़ तोड़ कर पेश करने वाला यह देश अमेरिका को मूर्ख समझता रहा है। सदन की विशेष मामलों की समिति की एशिया एवं प्रशांत उप समिति के अध्यक्ष मैट सेलमन ने कहा कि वे हमें मूर्ख बना रहे हैं, वे हमें मूर्ख समझते हैं, यह माफिया को धन देने की तरह है। पूर्ववर्ती बुश काल के शीर्ष राजनयिक जालमे खलीलजाद ने सांसदों से कहा कि पाकिस्तानी नेतृत्व ने किस प्रकार दशकों से अमेरिका प्रणाली के साथ खेल खेला है। उन्होंने कहा कि यदि मैं गैर राजनयिक शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूं, तो हम बहुत भोले भाले रहे हैं। सलमान ने खलीलजाद की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि भोले भाले मूर्ख अधिकतर अमेरिकी यहां देख सकते हैं कि हमारे तथाकथित नेताओं को यह बात अभी तक समझ नहीं आई। केजरीवाल की पत्नी ने लिया वीआरएस। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने आयकर विभाग में 22 साल अपनी सेवा देने के बाद भारतीय राजस्व सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। अधिकारियों ने बताया कि सुनीता फिलहाल दिल्ली के आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में बतौर आयकर आयुक्त तैनात थी। इस साल की शुरुआत में उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। इस संबंध में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने औपचारिक आदेश अब जारी किए हैं। उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 15 जुलाई से प्रभावी होगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वे अपनी पेंशन सेवाओं का लाभ उठा पाएंगी क्योंकि उन्होंने 20 साल से अधिक नौकरी की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के करीबी सूत्रों ने बताया कि सुनीता को आशंका थी कि केंद्र और आप सरकार के बीच चल रहे विवाद में उन्हें निशाना बनाया जा सकता है, इसलिए उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का फैसला किया। नजमा हेपतुल्ला ने मोदी मंत्रिमंडल से दिया इस्तीफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल से दो मंत्रियों नजमा हेपतुल्ला और जीएम सिद्धेश्वर ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दोनों मंत्रियों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। कैबिनेट में फेरबदल करते हुए बाबुल सुप्रियो से शहरी विकास मंत्रालय लेकर भारी उद्योग मंत्रालय दे दिया गया है। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सौंप दिया गया है। देर शाम अचानक दो बड़े मंत्रियों के इस्तीफे का कारण अभी साफ साफ पता नहीं चल सका है। के मुताबिक प्रधानमंत्री नजमा के काम से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए नजमा से 75 साल से अधिक उम्र होने की बात कहकर इस्तीफा ले लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक नजमा 5 जुलाई को ही इस्तीफा देने वाली थी, लेकिन तब वे भारत से बाहर थी। अब प्रधानमंत्री के लौटने पर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सिद्धेश्वर भी 5 जुलाई को दिल्ली में न होने के चलते इस्तीफा नहीं दे सके थे, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है।